नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अगले 24 घंटों में हो सकती है देश के इन 6 राज्यों में बारिश, आईएमडी ने जारी किया पूर्वानुमान। हरियाणा सरकार किसानों को दे रही है मूंग और ढैंचा की खेती पर सब्सिडी, 80% के अनुदान पर लाभ कमा सकेंगे किसान। एफएमसी लेकर आया है कोराजन अभियान, जहां किसानों को मिल रहा है खेती का ज्ञान, क्योंकि खुशहाल होगा हर किसान जब चीनी मिलों की पसंद का गन्ना उपजेगा हर साल। कोराजन लगाने से गन्ने की उपज में क्या फायदा मिलता है? गुंडा रोग जो होता है, चोटी बेदक और कंसुआ, इन दोनों रोगों से हमारा कोराजन निजात दिलाता है। आमदनी हमारी बढ़ी है, लाइफ स्टाइल भी थोड़ा चेंज हो गया है। कोराजन से बेहतर रिजल्ट कोई नहीं दे सकता। सफलता की कुंजी कोराजन में है रेनेक्सपियर की शक्ति, जो कंसुआ और चोटी भेदक से देता है लंबी सुरक्षा और दमदार पैदावार। तभी तो माने हैं जन जन सफलता की कुंजी है कोराजन। उत्तर भारत में बीते एक हफ्ते से गर्मी अपना कहर बरपा रही है। हालात ये हो चले हैं कि अप्रैल अभी खत्म भी नहीं हुआ कि तापमान 40 को पार कर चुका है। इस भीषण गर्मी के बीच हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पश्चिमी हिमालय पर अगले 2 से 3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जाहिर की है, जबकि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के साथ ही उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश होने की आशंका जताई है। साथ ही 18 से 20 अप्रैल के दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी हल्की बारिश के साथ आंधी आने की संभावना है। वहीं 18 से 20 अप्रैल के बीच दिल्ली NCR में बारिश और आंधी आने की संभावना जाहिर की गई है। वहीं अगले 3 दिनों के दौरान गंगेय, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। वहीं बात करें उत्तर पश्चिमी भारत की, तो यहाँ के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम के साथ ही त्रिपुरा में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। फिलहाल उत्तर भारत में लोगों को अगले कुछ और दिन गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हरियाणा सरकार इन दिनों किसानों की आमदनी बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व कृषि मंत्री JP दलाल द्वारा तरह तरह की योजनाओं को शुरू किया जा रहा है, ताकि प्रदेश में खेती को बढ़ावा दिया जा सके। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को मूंग और ढैंचा की खेती करने पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है, ताकि किसान इसकी खेती से ज्यादा फायदा कमा सके। वहीं सब्सिडी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करने वाले किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज खरीदने पर 75% अनुदान दिया जाएगा। जरूरी बात यह है कि किसान सब्सिडी का लाभ अधिकतम 3 एकड़ तक में मूंग की खेती करने पर ले सकते हैं। वहीं ढैंचा के बीज के लिए अधिकतम सब्सिडी राशि 80% निर्धारित की गई है। अधिकतम 10 एकड़ तक इसकी खेती करने वाले किसान सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। अब बात करें आवेदन प्रक्रिया की, तो इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ लेने के लिए प्रदेश के किसानों को सबसे पहले agrihariyana.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एक बार फिर 16 अप्रैल से शुरू हो गई है, जो कि 24 अप्रैल तक खुली रहेगी। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। लाख की खेती के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार ने बीते सोमवार को लाख की खेती को कृषि फसल का दर्जा दे दिया है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों के जीवन में सुधार आएगा। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल का कहना है कि सरकार के इस कदम में लाख की खेती करने वाले लगभग 4 लाख आदिवासी परिवारों को लाभ मिलेगा। झारखंड लाख के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। बिहार सरकार किसानों तक खरीफ फसलों की पहुंच को आसान और सुगम बनाने के लिए तरह तरह की कोशिशें कर रही है। इसी कड़ी में बिहार के कृषि विभाग ने यह ऐलान किया है कि प्रदेश के किसान खरीफ सीजन में बोई जाने वाले अलग अलग तरह की फसलों के बीजों को सब्सिडी पर खरीदने के लिए 30 मई 2023 तक
dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार द्वारा बीजों को किसानों के घर तक पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी की व्यवस्था भी शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल में किसान ने हाल ही में अपने बचपन का सपना पूरा करते हुए टाइटैनिक जहाज जैसा दिखने वाला घर बनाया है, जिसकी चर्चा इस समय पूरे राज्य में हो रही है। यहां तक कि दूर दूर से लोग इस घर को देखने आ रहे हैं। आपको बता दें कि किसान मिंटू रॉय दार्जिलिंग के निजबरी का रहने वाला है। जब वो 9वीं क्लास में पढ़ता था तो उसने कोलकाता में ही एक टाइटैनिक डिजाइन में बना हुआ एक दुर्गा पंडाल देखा था। तभी से उसके मन में ये इच्छा थी कि वो ऐसा घर बनाए। इसके लिए उसने नेपाल जाकर राज्य मिस्त्री का काम भी सीखा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में करीब 6000 अपात्र किसानों को पीएम सम्मान निधि योजना की राशि दी गई है। इनमें कई ऐसे भी अपात्र लाभार्थी पाए गए हैं जिनके पास खेती करने के लिए कोई जमीन नहीं थी और वो दूसरे तहसीलों के रहने वाले थे। अब कृषि एवं राजस्व विभाग ऐसे अपात्र किसानों को चिन्हित करके बैंकों के माध्यम से नोटिस भेज रहा है। हरियाणा के करनाल जिले के तरावड़ी में स्थित राइस मिल की 3 मंजिला इमारत आज सुबह गिर गई, जिसका मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 20 मजदूर घायल हैं। इसके अलावा कई मजदूरों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका जाहिर की गई है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।